तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों को जो पुराना हमारा बॉट मास्टर का सॉफ्टवेयर था मैंने आपको दिया है और अच्छे से चल रहा हो। नहीं चल रहा होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास ही है ना, मैसेज कीजिएगा। अभी थोड़ा ठंडी काफ़ी ज़्यादा है इधर, तो आज हो सकता है क्लियर ना आए, है ना। तो हमेशा की तरह आज आपके लिए जो बढ़िया सा एक सॉफ्टवेयर हम लेके आए हैं फिर से, है ना, क्योंकि हमारा जो गूगल मैप एक्सट्रैक्ट वाला जो सॉफ्टवेयर है कई लोग का काम नहीं करता है ना, क्योंकि देखिए उसमें अपडेट आते रहता है। ठीक है, तो फिर से हम वही पुरानी बात कर लेते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम यहाँ पे जो कंटेंट है आपको देते रहते हैं, ठीक है। हमारी जो सर्विसेज हैं वहाँ पर दिख जाएंगी, बल्क SMS, बल्क व्हाट्सएप SMS, बल्क वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर, मिस कॉल रीडिंग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट क्रिएशन मैनेजमेंट SEO, PPC, SMM मार्केटिंग, ORM, ग्राफिक डिज़ाइन, गूगल मैप एड कैंपेन, गूगल एड कैंपेन, यूट्यूब एड कैंपेन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिंग एड कैंपेन, लिंक्डइन मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस, यूट्यूब चैनल का फुल मोनेटाइजेशन कर सकते हैं आपका, अगर आपका पहले से चैनल है वो। नहीं तो आपको अलग से ऑलरेडी एक पूरा फुल मोनेटाइज चैनल चाहिए, है ना। आपको वेबसाइट चाहिए, फुल मोनेटाइज वेबसाइट चाहिए, या फिर नॉर्मल वो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आपके लाइक फॉलोअर सब्सक्राइबर सब यहाँ पे इंक्रीज हम कर सकते हैं। आपको फेक वाले चाहिए कि रियल वाले, दोनों पे है। वीडियो क्रिएशन होता है आपके लिए, है ना। वीडियो क्रिएशन मतलब नॉर्मल वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ, एनिमेशन वाले वीडियो, है ना, 3D वाले वीडियो सब बनेंगे इसमें। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है आपके लिए, इसमें चाहे हिंदी में हो, ब्लॉगिंग, है ना, सब आपके लिए लिख के दे देंगे आर्टिकल। और गूगल पे फर्स्ट रैंक कराना हो आपको, बैकलिंक वगैरह चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है कराना है, अभी हम इसमें कर सकते हैं। तो हमारा जो है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। अपने बिजनेस को बढ़ाइए हमारे साथ, पेपर टीवी अखबार में प्रचार करने का जमाना गया, नाम आपका प्रचार हमारा, ठीक है। हमारे पास अन्य सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध, जैसे आपका कोचिंग है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वैसे भी अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास। और सबसे मेन पॉइंट, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, कस्टमर के लिए हम आपके प्रति निष्ठा रखते हैं, इसलिए आपके अलावा आपके फील्ड में किसी और का प्रचार नहीं करेंगे। जैसे आप से किसी सिटी में हैं, अगर आप किसी एक हॉस्पिटल का प्रचार कर रहे हैं तो आप दूसरे हॉस्पिटल का प्रचार मत कीजिएगा, ठीक है। और ये सामने वाले को बोलिएगा ताकि उसको अच्छा लग सके, ठीक है। और तब तक प्रचार नहीं कर, तब तक ये प्रचार करवा रहे, ये प्रचार बंद कर दिया फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो सॉफ्टवेयर भी लेके आया हूँ उसको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है IM छत्तीसगढ़ का है, गूगल मैप एक्सट्रैक्टर है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, पासवर्ड मैं आपको बता दूंगा पासवर्ड क्या है जब आप इसे बाय करेंगे तो, है ना। देखिए यहाँ पे एक फाइल जो है डेस्कटॉप पे आ चुका है, ठीक है। तो अपना खोल लेते हैं ब्राउज़र, गूगल खोल लिया मैंने अपना, गूगल क्रोम नया विंडो मैंने खोल लिया, ठीक है। अभी आप गूगल क्रोम खोलिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा, है ना। ये ब्रेव ब्राउज़र है ना, अब गूगल है सेम, तो सेम। उसके बाद से आपको यहाँ पर लिखना है अपडेट, अपडेट चेक नाउ, मतलब आपका जो गूगल क्रोम है अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अपडेट किया था तो अपडेट करने की जरूरत नहीं यहाँ से, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, अपडेट हो रहा है ना, कुछ दिक्कत मत कर दे। तो देखिए मैं वीडियो में कुछ कट पिट नहीं करता हूँ, सीधा वीडियो जो बनता है आपके पास आता है ना, वीडियो अच्छा लगता है तो कीजिए, शेयर करते हैं, ठीक है। अपडेट हो गया है, आप अपने में वेट कर लीजिएगा, है ना। मेरा क्या है, अपडेट है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है ये आइकन, ये आइकन नहीं आया होगा तो आपसे जा सकते हैं मोर टूल्स में, एक्सटेंशन में, ठीक है। कहाँ गया एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कहाँ गया जी, एक्सटेंशन यहाँ पर जा सकते हैं ना। यहाँ से देखिए डेवलपर मोड ऑन करना है, ऑफ होगा आपका, डेवलपर मोड ऑन कीजिएगा, लोड पैक में जाइएगा, लोड एंड पैक में, फिर यहाँ से आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। और हमने एक्सट्रैक्ट कहाँ किया था भाई, ये देखिए एक्सट्रैक्ट किया था हमने, ठीक है। एक बार क्लिक किए, फिर एक बार और क्लिक करना है क्योंकि फाइल्स नहीं खुलेंगी ये, जब आपको दो फाइल्स दिख जाएंगे ना तो आप समझ जाइएगा कि हमारा काम बन गया है। और सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको कुछ यहाँ पे जो चीज़ है गूगल मैप को यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो देखिए हमको मेन जो है इसको यहाँ पर लाना है ना सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पर क्लिक, देखिए ये आ गया है जी मैप करके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आ गया। अब हम इसमें एक बार बीच में क्लिक कर देंगे, देखिए ये खुल गया हमारा मैप एक्सट्रैक्टर IM छत्तीसगढ़.com में, हमारे वेब ऐप चले जाएंगे, ठीक है। अभी वेबसाइट पे थोड़ा मेंटेनेंस काम चल रहा है तो इसलिए अभी वो नहीं खुलेगा, ठीक है। देखिए IM छत्तीसगढ़ गूगल मैप एक्सट्रैक्टर इज द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट IM छत्तीसगढ़ गूगल मैप, मतलब वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं उसका वीडियो जो है इसमें आपको दिखेगा, ठीक है।
हाउ टू छत्तीसगढ़ गूगल मैप जनरेटर, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, तो पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र अपडेट करना है। अपडेट नहीं भी करेंगे तो काम कर देता है, लेकिन आप अपडेट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चेंज गूगल मैप लैंग्वेज टू इंग्लिश, ठीक है, सीधा सीधा इंग्लिश में करना है ना, हिंदी में उर्दू पंजाबी ऐसा मत कीजिएगा, है ना, होता भी नहीं है, आप करिएगा भी मत, ठीक है। देखिए यहाँ से राइट क्लिक से खोल देते हैं आप, देखिए जैसे आप खरीद सकते हैं होटल इन रायपुर सर्च कर सकते हैं, ये रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भिलाई भी हमारे छत्तीसगढ़ में है और राजनांदगांव में मैं रहता हूँ, ठीक है, हमारा सिटी है, ठीक है, गाँव बस शब्द है इसका लेकिन सिटी है ये, ठीक है। तो देखिए हमारे गूगल मैप खुल गया, आप सर्च करते हैं, जैसे चलिए मैं सर्च करता होटल इन दिल्ली, ठीक है, ऐसे ही सर्च करना है आपको। नॉर्मल होटल भी लिख सकते हैं, होटल इन दिल्ली, मतलब मेन चाहिए कीवर्ड लोकेशन, ठीक है। उसके बाद से आपको दिख रहा है जनरेट लीड्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्या है गूगल मैप का जो टूल है वो खुल गया ना, देखिए ये जो मेन टूल है कंप्लीट सीधा है ना, हमने इस टूल को बनाया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन क्या है इसमें उनको करना पड़ता है ना, उनको पैसा देना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। मैं इसको इसका कोडिंग फिर किया है हमने, है ना, तो आपको यूज़ होगा, आराम से मत लीजिएगा, है ना। तो देखते हैं कम से कम जितना जनरेट आराम से आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पीछे में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फिर अलग से टैब खोल दिया यहाँ पे कुछ काम करना, नहीं ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। ऐप में क्या है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब ये काम ही है इसके लिए, पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अपडेट रिजल्ट व्हेन, नहीं यहाँ लिखा, देखिए डोंट सब टूल्स विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर मत कीजिएगा, जैसे आप लोग बॉट मास्टर यूज़ करते हैं ना, तो कई लोग क्या सोचते हैं बैकग्राउंड में तो चल ही रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं तब तक अपना कुछ और काम कर लेते हैं, नहीं उस समय क्या होता है ना हमारा बॉट मास्टर काम करना बंद कर देता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आँख में लगता है ना लाइट, रिंग लाइट, ठीक है। इसको पॉज करता हूँ, आप अब देख लीजिएगा ना होटल दिल्ली, अब दिल्ली में होटल बहुत सारे हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप, अब सिर्फ होटल नहीं निकालेगा, रेस्टोरेंट होटल है ना, ढाबा वगैरह जो होते हैं, है ना, क्योंकि देखिए अब आदमी तो होटल लिखता है सामने में, लेकिन कई लोग गूगल मैप बिजनेस में डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं होटल रेस्टोरेंट ढाबा फूड पार्क है ना स्पा, मतलब जो भी चीज़ें होते हैं तो सारे को निकालेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ होटल का निकालेगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉप, देखिए आ गया होटल इन, टोटल लीड कितना है हमारा 43 आया है, व्यू रिजल्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, यू डोंट हैव इनफ क्रेडिट टू व्यू रेट्स, है ना, अपग्रेड करने के लिए बोल रहे हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अब मेन कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखिए $9 आपको जो है मंथली देना पड़ेगा, तो $9 को देखते हैं अपन, $9 इन रुपीज़, ये आपको 736 पड़ेगा, इसका आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, काट देते हैं इसको। आपको देखिए यहाँ पे करना है क्लोज, डेटा नॉट फाउंड है ना। अब देखिए इसमें क्रैक क्या, एक्सपोर्ट पे कीजिएगा, CSV कीजिएगा, याद से एक्सेल मत कीजिएगा, CSV कीजिएगा। देखिए कुछ चीज़ डाउनलोड हो रहा है, डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्या था हमारा होटल इन दिल्ली था, दिल्ली बोलिए, दिल्ली बोलिए, ठीक है, सेव। तो ये आप अपने लोकेशन के हिसाब से जो भी चीज़ निकालना है आराम से निकाल सकते हैं। फिर ये जो नंबर्स आएंगे है ना, इसको आप बॉट मास्टर में चेक कीजिएगा कि इसमें व्हाट्सअप तक नहीं चलता है ना, क्योंकि अब व्हाट्सअप अगर चल रहा होगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें वो दिखा दीजिएगा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर व्हाट्सअप चालू होगा उसमें है ना, आप बॉट मास्टर से टेस्ट कीजिएगा। देखिए ये सब दिख गया आपको है ना, ये होटल के नाम दिख गए, वेबसाइट सुन के दिख गए है ना, वेबसाइट बना है तो ठीक है, आप उनको मैसेज क्या कर सकते हैं कि सर आपका वेबसाइट बन गया है ना, उसको अपडेट करना है। देखिए कई लोग क्या है ना, वेबसाइट के नीचे में ना उन लोग का डेट 2014 का रहता है, कॉपीराइट 2014-2015, उन लोग अपडेट नहीं किए रहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं आपके वेबसाइट में हम लोग अपडेट कर देंगे, नया फोटो डाल देंगे, और आपसे मंथली चार्जेस हम कितना लेंगे, 1,000 रुपये 2,000 जो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ईमेल सुन के दिख गए, देखिए ईमेल को क्या है ना जीमेल के नाम से दिखते हैं, देखिए ये तो थोड़े दिल्ली वाले होशियार हैं थोड़े, है ना, अगर किसी के ईमेल अगर दिख रहे हैं तो क्या है उनका होटल के नाम से ईमेल, कई लोग का gmail.com रहता है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि सर हमारे, हम आपके कंपनी के नाम से आपके होटल के नाम से ही आपका ईमेल बना देंगे, ये मोबाइल नंबर दिख रहा है ना,
देखिए मोबाइल नंबर के साथ है, आप किसी किसी का टेलीफोन नंबर भी दिख रहा है, समझ रहे हैं। होटल है कैटेगरी, उनका एड्रेस है ये, है ना एड्रेस। और रिव्यू से तो हमें मतलब नहीं है, देखिए रिव्यू से मतलब नहीं है, लेकिन एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। रिव्यू का भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, देखिए रिव्यू नहीं, गूगल मैप में रेटिंग होता है ना सारे होटल्स का, देखिए इनका रेटिंग देखिए कम है ना, किसी किसी का 3.9, 3.8, 4.4, 3.5, 4.14। तो इसमें देखिए आप उनको ये बोलिएगा ना कि सर हम आपका रेटिंग ठीक कर देंगे। रेटिंग ठीक करने से क्या होता है ना, सर्च में होटल ऊपर आता है, जैसे कोई लिखेगा ना होटल इन दिल्ली तो वो होटल ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम पेड है ना 35 रुपीज़ लेंगे आपसे, मतलब एक रेटिंग का 35 रुपीज़ है ना, ये आप क्लाइंट को मतलब अपने होटल वालों को बोलेंगे। होटल वाले जो है क्या करेंगे, मतलब उनको आप ये बताइए आपको 5 स्टार रेटिंग देंगे, है ना। अभी देखिए 3.9 रेटिंग है, तो 5 स्टार रेटिंग अगर 100 लोग देते हैं, 100 लोग रेटिंग अगर देना 5 स्टार, तो 100 लोग का अगर हम लोग 35 रुपये का हिसाब लगाएं तो 3500 होगा क्या, मैं देख लेता हूँ, है ना, गणित से थोड़ा पैदल हुए, ठीक है। 3500 आएगा कि 3500 ही आएगा, ठीक है, 3500 बता जाए, ठीक है। तो ये बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेटिंग का हम मैं आपको दूंगा 3500 में, आप उसको 40 में दीजिए, 45 में दीजिए, है ना। बस आप उसको ये समझाइएगा ना, देखिए सर रेटिंग ख़राब है ना, और उसमें ऐसा नहीं कि फेक रेटिंग होगा, रेटिंग में बकायदा लिखा रहेगा बेस्ट होटल है ना, बहुत बढ़िया होटल, यहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं, समझ गए। तो इस तरह से जो है उसमें रेटिंग जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी उनसे कह सकते, आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि आपका फेसबुक का पेज को हम लोग हैंडल करेंगे, है ना। एकदम पैसा बहुत ज़्यादा मत मांगिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास टीम है ना, तो टीम वाले आराम से बैठ के कर सकते हैं, है ना। अगर आपका एजेंसी अगर है उसमें अगर बहुत सारे अगर आपने रखा हुआ क्लाइंट, देखिए मेरा एक क्लाइंट है वो ना, मतलब एक टीम मेंबर है हमारा, उसका अभी क्या है कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अभी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं उसके। मैडम भी आती हैं, वो भी नहीं आ रही है, ठंडा लग रहा है करके, दूर से आती हैं वो भी, ठीक है। तो समझ गए आप, उनके बोल सकते हैं आपका फेसबुक हैंडल करेंगे, ट्विटर हैंडल करेंगे, लिंक्डइन हैंडल करेंगे, इंस्टाग्राम हैंडल करेंगे। हैंडल करना मतलब क्या है, उनको आप रोज़ फोटोज़ दे सकते हैं, कैनवा में कैनवा का सबसे ले लीजिए, है ना। उनको रोज़ आप सवेरे शाम फ़ोटो भेज सकते हैं, जैसे आज दिवाली है तो दिवाली के त्यौहार होटल मतलब मयूर होटल आपको शुभकामनाएँ देता है, उसी को आप उनके इंस्टाग्राम में डालेंगे, उसी को आप उनके फेसबुक में डालेंगे, उसी को ट्विटर में डालेंगे, उसी को उनके व्हाट्सएप की स्टेटस में डालने के लिए बोलेंगे, बहुत सारी जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। टूल का आपने देख लिया कैसे है ये टूल हमारा, और ये लंबा खींचेंगे तो लंबा 100-150, देखिए दिल्ली में आप होटल देख रहे हैं ना, कितने सारे होटल हैं, है ना, ये देख रहे हैं, वो भी रेट के हिसाब से है। तो ठीक है, अभी के वीडियो के लिए इतना अच्छा है, कुछ समझ में अगर देखिए, हाँ इसका प्राइसिंग बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको सिर्फ आपको ये सिंगल यूज़ के लिए है ना, सिंगल यूज़ मतलब अभी आप जस्ट इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये पड़ेगा 299, ठीक है। आप इसको किसी रीसेल करना चाहते हैं है ना, क्योंकि देखिए कोड तो मैं आपको ऐसे देने वाला नहीं हूँ, है ना। आप अगर इसको किसी को रीसेल करना चाहते हो ना, ताकि वो भी सामने वाला यूज़ कर सके, तो ये प्राइस है 999, ठीक है। और ये एक साल के लिए है, ठीक है, एक साल, ठीक है। 299 मतलब आपके कंप्यूटर में सिंगल सॉफ्टवेयर एक साल चलेगा, और 999 आप इसको रीसेल करेंगे, ये भी एक साल के लिए रहेगा, मतलब आप उसको बोलेंगे कि एक साल चलेगा सीधा, हमारे तरफ से कुछ नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट आता है तो हम इसको अपडेट आपको देंगे हाफ प्राइस में, मतलब अपडेट करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपसे 1000 रुपये ले रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो इसके बदले आपको इसी का सॉफ्टवेयर देना पड़ा, दूसरा इसका अपडेट देना पड़ा, तो आपको हाफ प्राइस में देंगे, ठीक है। और कुछ चलेगा नहीं वो आप बताइएगा, मैसेज कीजिएगा सर ये चल नहीं रहा ऐसा वैसा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो करते रहिए, है ना, वीडियो तो अच्छा लगेगा ही। देखिए मार्केट में ना बहुत सारे गूगल मैप सॉफ्टवेयर हैं, चलते नहीं है, नहीं पता क्यों, है ना। और ये जो मेन इसका जो कंपनी है ना, उन्होंने बाकायदा कुछ API वगैरह खरीद के रखा हुआ है, किससे, अपने गूगल जो का मैप का जो API है उनसे खरीद के रखा है, और इसलिए सारे लोग का काम कर रहा है, और मैंने 2 दिन ट्राई किया, उन लोगों का काम नहीं करता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो के लिए जय हिंद।